सदर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले शिवसेना के सामाजिक कार्यकर्ता लॉरेंस जॉन को लाल साहे से लिखी एक चिट्ठी मिली है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा काफिर अब तेरी गर्दन उतारी जाएगी, ऐसी चिट्ठी में लिखा है। सदर थाने में फिरियादी लॉरेंस जॉन ने शिकायत दर्ज की है। सदर पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है। आइए देखते हैं। आए दिन शहर में छोटी बड़ी बात पर जान से मारने की धमकी मिलने का सिलसिला बददस्तूर जारी है। शहर में धमकी देने वाले अज्ञात व्यक्तियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं सदर क्षेत्र में हुई एक घटना के बारे में, जहां फिरियादी लॉरेंस जॉन को काफिर अब तेरी गर्दन उतारी जाएगी, ऐसा एक डायलॉग भरी चिट्ठी में जान से मारने की सनसनीखेज धमकी मिली है। लॉरेंस जॉन सदर क्षेत्र में शिवसेना का एक सामाजिक कार्य करने वाला कार्यकर्ता है। कुछ दिन पहले 15 अगस्त और अन्य विषयों को लेकर फिरियादी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी, जिसमें 3-4 दिन बाद लॉरेंस जॉन के घर के सामने एक बिल्ली को मार कर फेंका गया था। इतना ही नहीं तो अज्ञात व्यक्ति ने लाल अक्षर में गर्दन उतार देने की बात भी चिट्ठी में लिखकर फेंक दी। लॉरेंस जॉन ने सीधी धमकी भरी चिट्ठी उठाकर सदर थाने में शिकायत दर्ज की है। इस घटना के बारे में सदर के पुलिस इंस्पेक्टर विनोद चौधरी ने BCN समक्ष जानकारी दी है। फिरियादी है लॉरेंस जॉन ग्रेसरी, वह 35 वर्ष राहणार मोहन नगर जे है। त्यांनी काल सायंकाळी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिलेली होती की ते सामाजिक कार्य करत असून शिवसेनेमध्ये सुद्धा कार्यरत आहेत। काही अंदाजे 3 महिने अगोदर त्यांच्या घरासमोर एक कोणी अज्ञात व्यक्ती आला होता वाहन घेऊन, आणि यांना विचारून काही त्यांना डिक्की वगैरे खोलून दाखवली आणि त्यांना त्या फिर्यादीला त्याच्यामध्ये काही असं शस्त्रासारखं दिसलेलं होतं आणि तो इसम तिथून निघून गेलेला होता। त्याच्यानंतर यांनी 9 ऑगस्टला काही एक फेसबुकवर पोस्ट शेअर केलेली होती आणि 12 तारखेला फिर्यादी जेव्हा घरून झोपून उठून बाहेर आले तर गेटपाशी त्यांना एक लहान कागदाची एक गुंडाळलेला कागद मिळून आलेला होता। त्यांनी त्याच्यामध्ये त्यांनी वाचलं, त्याच्यामध्ये त्याला तेरी गर्दन नाही जाएगी असं काही तसं लिहून त्याला दिसून आलेलं होतं। याबद्दल त्यांनी आम्हाला एक तक्रार दिलेली आहे, त्या संबंधाने आम्ही पोलीस स्टेशनला 5062 भादवीप्रमाणे गुन्हा नोंद केलेला आहे आणि त्याचा आम्ही पुढील तपास करत आहोत। धमकी भरी चिट्ठी मिलने से परिसर में सनसनी फैल गई। फिरियादी लॉरेंस जॉन ने BCN समक्ष जानकारी दी है। पहले तो मेरे व्यूअर्स जितने भी आपके माध्यम से मैं जहाँ तक भी पहुँच पा रहा हूँ सभी को जय महाराष्ट्र। मैं लॉरेंस ग्रेगरी, शिवसेना का उपशहर प्रमुख। मेरे साथ एक मामला ऐसा हुआ है कि 9 अगस्त को मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक में मेरे पॉलिटिशियन पेज के जरिए और मेरी स्टोरी के जरिए, जो कि मैंने सुबह में शाम के समय में पोस्ट डाला था मेरे ऑफिस के डेस्कटॉप से और सुबह के समय उसको डिलीट भी कर दिया था। और पोस्ट ऐसा था कि वो गणतंत्र दिवस के बारे में 15 अगस्त का पोस्ट था, 9 अगस्त को डाला था, 12 अगस्त को मेरे को धमकी मिली है सफ़ेद कागज़ में लाल स्याही से, काफिर अब तेरी गर्दन उतारी जाएगी ऐसा करके मेरे घर पे एक मैसेज फेंका गया है, जिसके वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, बहुत तनाव का माहौल फैल चुका है, पूरे वातावरण बहुत तनावपूर्ण है। मेरे घर के सब लोग परेशान हैं, नियर एंड डियर वंस परेशान हैं और जो भी हमारे शिवसेना के पूरा नागपुर शहर सभी का कॉल आना मेरे को चालू हो गया है, लोग मेरे घर पे आ रहे हैं। और 12 अगस्त की ये घटना है, 15 अगस्त को मेरे घर के सामने बिल्ली मार के डाली गई थी। उसके बाद मैंने शहर प्रमुख जो है नितिन तिवारी जी, दुष्यंत चतुर्वेदी जी जो हमारे MLA, उनको मैंने कांटेक्ट करके ये सारी मामलात के बारे में बताया। उन्होंने मेरे को ताबड़तोड़ पोस्ट ये लिखा था कि गणतंत्र दिवस के बारे में मैंने पोस्ट लिखा था जिसमें नुपुर शर्मा के बारे में जिक्र किया गया था। नुपुर शर्मा के बारे में अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि मैं शिवसेना का रहने के बाद नुपुर शर्मा को कैसे सपोर्ट कर रहा। नुपुर शर्मा को मैंने किसी भी चीज़ में कोई तरीके से सपोर्ट किया नहीं है। उसकी कंट्रोवर्सी, उसके जगह जो भी उन्होंने पैगंबर के बारे में बोला वो गलत है, मैंने उस बारे में कोई सपोर्ट नहीं किया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंट इंडिया, 75 ग्लोरियस ईयर्स, इसके बारे में जिक्र किया था। उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच था, उसको जो बोलना था उसने आके बोला। नुपुर शर्मा के बारे में मैंने इतना बोला। कन्हैया लाल के किलिंग के बारे में बोला है, जिसके बारे में तीव्र आंदोलन शिवसेना शहर ने किया था वैरायटी स्क्वायर पे। मैंने कश्मीर फाइल्स के बारे में जिक्र किया है, मैंने जो मेरी उपलब्धियां हैं, मैं एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ उसके बारे में जिक्र किया है, मैंने स्कॉटलैंड से पढ़ाई पूरी करी है
उसके बारे में जिक्र किया, भोसला मिलिट्री स्कूल में मैं जब था एनडीए का एग्जाम दिया था नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसके बारे में जिक्र किया है। धमकी भरी चिट्ठी मिलने से लॉरेंस जॉन काफी आहत हुआ है। पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। क्या पुलिस उस अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, क्या उस पर कानूनी कार्रवाई करेगी, इस पर शहरवासियों की निगाहें लगी हुई है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, BCN न्यूज़।